हे हेलो यार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो रिवीजन वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बोला था कि टोटल 5 वीडियो जो है आप लोगों की अपलोड होनी है, तो जिसमें 4 वीडियो जो है आपके कॉन्सेप्ट बेस होगी और एक जो है पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो है, पहली वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, जिसमें मैंने टोटल 10 नेमिंग रिएक्शन बताया थे और बोला था कि 2 नेमिंग रिएक्शंस के जो है वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, वो एल्ड्रोल और कैनिजारो की थी। जो ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जो है हम लोग एल्ड्रोल और कैनिजारो रिएक्शंस को देखेंगे, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है और कैसे एक शॉर्टेस्ट ट्रिक के थ्रू जो है इस इक्वेशन को इजिली जो है सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो प्लीज़ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, फैला दें उसको, ताकि उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो लोग ऑर्गेनिक में वीक हैं या जिनको ऑर्गेनिक टफ लगती है। उसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्ड्रोल और कैनिजारो के बारे में। पहले जो है हम लोग एल्ड्रोल कंडेंसेशन के बारे में देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, फिर हम लोग कैनिजारो पे आते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी कि एल्ड्रोल रिएक्शन देता कौन है। तो इसकी 2 कंडीशन होती, पहला कि एल्ड्रोल वो रिएक्शन है अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड इस तरीके से है, CH3, COO, CH3, ठीक है, एक ये कंपाउंड है। दूसरा अगर मान लीजिए HCOOH, ठीक है। अब देखिए, अगर कभी भी आपके कार्बन के एडजेसेंट में कोई भी कार्बन हो और उस पे अल्फा हाइड्रोजन हो, तो फिर वो हमारा क्या होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, बट इसमें कार्बन के बगल में कोई भी कार्बन का कंपाउंड नहीं है तो उसे अटैच कोई अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है अल्फा हाइड्रोजन का पहचानने का। तो एल्ड्रोल कौन देता है, अगर कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जो एटलीस्ट हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, जब वो रिएक्ट करते हैं किसी भी डाइल्यूट मीडियम के प्रेजेंस में, तो वो हमको एक एल्ड्रोल रिएक्शन देता है। दूसरा चीज, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर 2 मोल सेम एल्डिहाइड या कीटोन के जब रिएक्ट करते हैं तो उसको हम लोग एल्ड्रोल कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर जब 2 मोल डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के जाके रिएक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्ड्रोल। एल्ड्रोल में जो है हमको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, जबकि क्रॉस एल्ड्रोल में जो है हमको 4 तरीके का प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, सो अब ये बात तो रही, अब चलिए आते हैं हम लोग ट्रिक पे कि एल्ड्रोल की रिएक्शन को सॉल्व करने का ट्रिक है क्या। तो देखिए, इसमें पहले तो हम नॉर्मल वे में आते हैं, ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल एल्ड्रोल की रिएक्शन देखते हैं, फिर हम उसमें ट्रिक पे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपको गिवन है 2CH3CHO, इसको रिएक्ट किया गया डाइल्यूट KOH में, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा आपका इस तरीके से CH3CH CH2CHO, और ये यहाँ पे OH लगा होगा, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, आपका वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकलेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा ये बन के आएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट 2 इनॉल, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो देखिए इस कार्बन के बगल में जो है आपका ये अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, और इधर आपका बीटा, तो या तो अल्फा बीटा पाई पाई अल्फा बीटा हो, और मोस्टली कंडीशन आपके एल्ड्रोल की होती है कि एक अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी वो जाके करेगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग ट्रिक के थ्रू से सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक फॉर एल्ड्रोल। अब देखिए क्या कहा गया है कि मान लीजिए इस तरीके से आपका कंपाउंड था CH3COOH प्लस 2 मोल होंगे उसके COOH। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें करनी है आपको, पहली चीज़ क्या करनी है, पहला चीज़ आपको रिमूव करना है वाटर, ठीक है, और जहाँ से रिमूव किया है देन रिप्लेस बाय डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके, अब बात मैं एक्चुअली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ,
मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, वाटर निकालना है। पहले मैंने क्या बोला, वाटर निकाल दिए, तो H2 का मतलब क्या, इसमें से ये O हटा दीजिए और इसमें से 2H2 निकाल दीजिए, तो यहाँ से -H2 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख कैसे रहा हूँ मैं, CH3C। अब देखिए O तो निकल गया, बचा क्या, सिर्फ H, ठीक है, सिर्फ H बचा। अब यहाँ से क्या होगा, मैंने क्या दूसरा क्या बोला, रिमूव जहाँ से किया वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए उसको डबल बॉन्ड से, यानी इसके और इसके बीच का क्या करिए आप, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड C, और बचा क्या, सिर्फ एक H और ये COOH, ठीक है। अब तो जो ये कंपाउंड आपका बना, ये कंपाउंड आपका बन गया फाइनल जो है वो एल्डोल का। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या बोला गया, CH3 है, COO है, यहाँ पे हम लोग एक कार्बन और अटैच कर देते हैं, CH3 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्लस CH3 COO CCH3। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, देखिए ट्रिक वही लगनी है, पहले क्या करना है आपको, वाटर रिमूव करना है, तो एक O इधर से निकाला, एक H2 इधर से निकाला, तो -H2O करना है। अब लिखा पहले हमने ये CH3C। अब देखिए ये जब C में से O हटेगा तो बाकी के कंपाउंड जो है आप इस तरीके से लिख दीजिए, CCH3। फिर क्या बोला मैंने, जहाँ से रिमूव किया वहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाया, तो ये डबल बॉन्ड C हो गया, बाकी का एज इट इज आप ये पूरा उतार दीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है कि कितना सिंपल ट्रिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आप लोगों को, और बहुत ईजिली आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपको एल्डोल्ड के बारे में। क्रॉस एल्डोल्ड का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट आप लोग अपने आप से ट्रिक से बनाइएगा और बताइएगा कहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने क्या बोला था कि अगर दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन हो, CH3 CH2 CHO, तो जब इसको रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, तो इसमें क्या बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। तो इसको जो आप लोग ट्रिक अप्लाई करिएगा और वहाँ से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, अब देखिए कैनिजारो में क्या है कि वहां पे मैंने बोला था कि एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पे क्या बोला है, कोई भी इफ एनी प्योर कार्बोनिल हैविंग विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद कंसेंट्रेट H2SO4 गिव्स डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यानी डिसप्रोपोर्शनेट क्या, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, ठीक है। यानी कि ये किस तरीके से आपका जाएगा, HCHO प्लस जब HCHO, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे NaOH से, तो आपका बनेगा HCH2OH प्लस HCOONA, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, ठीक है। मान लीजिए 2 मोल हैं आपके ट्वाइस ऑफ सी सॉरी ट्वाइस ऑफ HCOOH, जब ये रिएक्ट करेगा कंसेंट्रेट ऑफ NaOH से, तो ये किस में जाएगा, HCOONA प्लस CH3OH, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लीजिए अगर आपका एल्डिहाइड हो, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करेगा कंसेंट्रेट NaOH से, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन होगा, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा, COONA, यानी क्या देगा, ये एसिड देगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब इसका रिडक्शन होगा तो ये आपको क्या देगा, एल्कोहल देगा, यानी कि CH2OH देगा, ठीक है, यानी कि ये क्या देगा, बेंजिल एल्कोहल,
ठीक है। तो ये जो है दो शॉर्टेस्ट ट्रिक थी आप लोगों की एल्डोल्ड कंडेंसेशन और कैनिजारो कंडेंसेशन की। तो इसकी प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एल्डोल्ड है या कैनिजारो है। उसके अलावा अब मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप लोग को ऑर्गेनिक के बारे में बताता हूँ। जो नेक्स्ट दो वीडियो आने वाली हैं वो दो पार्ट में आएंगी, पार्ट वन और पार्ट टू करके, जिसमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने समराइज किया हुआ है, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एक पार्ट में जो है हम 15 पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में यानी कि चौथी वीडियो में जो हम लोग रिमेनिंग 16 से लेकर 30 पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। अगर ये चारों वीडियो जो अच्छे से देख लेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी फंसेगा नहीं जल्दी। और उसके अलावा भी अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि हाँ सर ये डाउट आ रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि मिस हो गया है हमसे तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पॉइंट को जो है या फिर उस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।